आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज 11th लेक्चर में पार्ट 5 ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक। अभी तक हमने चार पार्ट्स देख लिए थे, जिसमें हमने क्लासिकल, सेमी क्लासिकल और लाइट में हमने दो पोर्शन कवर किए थे। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया फिल्मी गीत और गजल। आज का जो लेक्चर है वो सुगम संगीत पर ही है, परंतु उसमें हम चार चीजें देखेंगे। एक तो भजन, सूफी गीत, कवाली, लोक गीत, ये चार चीजें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सुगम संगीत क्या होता है, जो सरल हो, जो आसानी से सीखा जा सके, जिसमें कोई भी शास्त्र ना लगे, ठीक है। तो वही हम देखने जा रहे हैं कि ये चार जो स्वरूप हैं सुगम संगीत के, भजन जिसमें कोई भी शास्त्र ना हो, परंतु ऐसे भजन भी हम देखेंगे जिसमें शास्त्र लगता है। द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक हैज बीन अप्लाइड इन भजन ऑल्सो, तो वो भी भजन देखेंगे। लेकिन पहले मैं सुगम सरल भजन आपके सामने कुछ मैं शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि भजन होता क्या है। ऐसा गीत क्या है, तीन चीजों को अगर मैं बांध दूं, स्वर, पद और ताल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है गीत। तो ऐसा गीत जिसमें ईश्वर की लीलाओं का वर्णन हो। बट ऑफ कोर्स हम जानते हैं वैसे तो भजन होता क्या है, लेकिन फिर भी थियोरेटिकली और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने में थोड़ा फर्क हो जाता है। तो मैंने क्या लिखा, देखिए आपको दिख रहा होगा कि ईश्वर की लीलाओं का वर्णन हो। अब मैं कुछ सरल भजन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, फिर उसके बाद मैं भजन में कौन सी ताल यूज होती है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। वही जो मैंने आपको बताया था, लाइट म्यूजिक में जो सबसे ज्यादा तालें यूज होती हैं, रूपक, दादरा और कैरवा, ज्यादातर कैरवा वो यूज होता है। सरल, सबसे अगर इजी मैं भजन की बात करूं, लाइट सुगम भजन, तो सबसे पहले हमारे जहन में कुछ भजन मैं बता रहा हूँ, एक तो गा के आपको, तो वो एकदम सरल भजन की कैटेगरी में आता है। देखिएगा आप, ज्यादातर जैसे कि मैंने आपको बताया कैरवा ताल सबसे ज्यादा यूज होती है भजन में, या फिर दादरा, या फिर थर्ड नंबर पे रूपक। तो मैं कैरवा ताल पे आपको दो भजन एकदम लाइट, जिसमें कोई भी रागदारी नहीं है, बट ऑफ कोर्स दैट इज बेस्ड ऑन सम स्केल, एक सप्तक पे तो आधारित होगा ही, बट ऑफ कोर्स कोई भी चीज उसके पीछे शास्त्र तो रहता ही है, परंतु रागदारी नहीं है। तो बिना राग वाले मैं आपको भजन प्रस्तुत करके बता रहा हूं दो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अब इसमें देखिए आगे की जो अंतरे होंगे, इसमें अंतरे मीन्स पैराग्राफ, मैंने आपको बताया था उसमें ईश्वर की लीलाओं का वर्णन हो रहा है, समझिएगा। देखिएगा, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा कि जैसे बुलाते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा कि जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो ये एकदम सुगम भजन है, साधारण भजन की बात कर रहा हूँ। फिर मैं आपको भजन में भी कुछ कैटेगरीज बताऊंगा। अब एक और भजन सुनिए जो आपका सुना हुआ होगा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे राधे कृष्णा कृष्णा। अब ये क्या है, देखिए अब बिलावल सप्तक, मैंने जो बताया था शुद्ध सप्तक पे आधारित है, कोई राग नहीं है इसमें। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, थोड़ा अपनी कलात्मक पक्ष दिखाने के लिए, क्योंकि भजन क्या होता है, भाव प्रधान होता है, शब्दों का ज्यादा महत्व है। हाउ यू ब्यूटिफाई द लिरिक्स, योर फीलिंग्स टुवर्ड अ गॉड,
दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. उसमें कलात्मक पक्ष थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कलात्मक पक्ष आपको ऐड करना है तो आप कोई सरगम डाल सकते हैं. किसकी? बिलावल की होनी चाहिए वो. जैसे फॉर एग्जाम्पल राग हंसध्वनि आप ले लीजिए, सरे गरे गा बगा पनी बगा परे नी बगा दिसा कौन कहता है. या फिर आप यमन का ले लीजिए, जे गा मदा नी रे सा नी रा बा गा रे सा श्री कृष्ण गोविंद. क्योंकि श्री कृष्ण गोविंद में तीव्र मध्यम का यूज होया है तो कल्याण की तरफ जाता है वो, तो यमन की आप सरगम उसमें लगा सकते हैं. क्लियर हो रहा? तो ये मैंने बात की सुगम भजन की. परंतु क्या भजन में भी राग यूज हुई है? तो यस, ऐसे बहुत से भजन हमको देखने में आते हैं जिसमें राग भी यूज हुई है, जिसमें आलापचारी में रागदारी दिखाई जाती है. अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा भजन के जिसमें प्योर राग यूज हुई है. ओके, देखिए साहब, एक राग है पूरिया तनाश्री. मैंने आपको 10 थाट बताए तो उसमें से एक थाट था पूर्वी. पूर्वी थाट से एक राग बनता है पूरिया तनाश्री. उस पे आधारित एक भजन सुना रहा हूं श्री कृष्ण जी का. अब उसमें आप देखिए आलापचारी में श्लोक होते हैं, श्लोक होते हैं, श्लोक के बाद वही स्थाई अंतरा होता है भजन में भी, और उसके बाद एंड में कीर्तन भी होता है. तो वो एक ही राग पे आधारित मैं आपको करके दिखा रहा हूं, फिर एक आध और हम भजन लेंगे वैसे ही, ताकि आपको और क्लियर हो. अभी हम सिर्फ लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं, मैं कोई ट्यूटोरियल नहीं बना रहा कि मैं आपको ये भजन सिखा रहा हूँ या आपको मैं ये राग सिखा रहा हूँ. सिर्फ आपको चीजों से अवगत करा रहा हूँ कि ये भी एक फॉर्म है और इसमें होता क्या क्या है, क्या क्या चीज हम और ऐड कर सकते हैं, हाउ क्रिएटिविटी कैन बी एडेड इन दिस. ओके, देखिए साहब, पूरिया तनाश्री राग में एक श्री कृष्ण जी का भजन देखिए. नव नव रंग त्रिभंगी श्याम सुवंगी श्याम जय राधे जय हरे प्रिय श्री राधे सुख नाम. अब इसमें मैं चाहूं तो रागदारी भी दिखा सकता हूं स्टार्टिंग में. देखिएगा ये भी ताल कहवा. जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे हो जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे. ये मेरी स्थाई कंप्लीट हो गई. मैंने स्टार्टिंग में क्या लिया, मैंने आलाप लिया जो कि श्लोक में था, रागदारी दिखाई, फिर मैंने स्थाई गाया और अब मैं अंतर उठा रहा हूं इसके अलग अलग पैराग्राफ. सुनिएगा. श्यामा कौरी प्रीत किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे श्यामा कौरी प्रीत किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे रसिक रसीलो छैल छबीलो गुण गरवे लो श्री राधे हो जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे. अब एंड में कीर्तन होता है. कीर्तन में हम लय को अक्सर देखा गया बढ़ा देते हैं, एक सबको भाव विभोर करने के लिए, सब पब्लिक को ऐड करने के लिए, क्योंकि कीर्तन ऐसी चीज है, भजन का ही एक अंग है जिसमें सब झूम उठते हैं, सब प्रभु के जो स्मरण में खो जाते हैं. तो देखिए, हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा
फिर ये कीर्तन से फिर इसका एंड क्लाइमेक्स और इसको भजन को हम ऐसे ओवर करते हैं। तो ये अभी मैं बात कर रहा हूँ किसकी, क्लासिकल भजन की, जो किसी राग पे आधारित है। क्लियर हो रहा है? पहले मैंने जो भजन गाए वो सुगम भजन थे, सरल भजन जिसमें कोई भी राग धारी नहीं थी। और एक और मैं भजन का आपको एग्जाम्पल दूंगा जो कि राग पर आधारित है। एक राग है भीम पलासी, उस पे सुनिए श्रेया घोषाल जी का गाया हुआ भजन, आपने खूब सुना होगा ये, जिसपे अपनी जो अंबानी परिवार में खूब फेमस हुआ था ये जो क्लिप थी इस भजन की, आप देखिएगा। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते कलखिलम मधुरम। अब ये पूरा राग भीम पलासी में बंधा हुआ है। पम गम पानी द पम प गम पानी सा त म गम ग रे स नि द पम गम पम गम ग रे स अधरम मधुरम। अक्सर देखा गया जो भजन राग बेस्ड होते हैं वो ज्यादा टाइम तक कायम रहते हैं, सुनने वाले पे ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। क्यों? क्योंकि गीत अपना काम करता है, राग अपना काम करता है और गायक अपना काम करता है। तो अगर राग का तत्व भी अगर आप भजन में डाल दो तो और खूबसूरत और लंबे टाइम तक कायम रहती है वो चीज बेहद की बन जाती है। अभी एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं एक और भजन का आपको। अब देखिए ये राग है यमन कल्याण, इसमें मैं आपको श्लोक पढ़ के बताऊंगा, आप बताइएगा आपको रंजकता पूर्वक लगा कि नहीं लगा। ये हल्का सा राग का स्वरूप दिखाया, मोकम करोति। अब देखिए श्री कृष्ण जी की लीलाएं, मैंने क्या बताया भजन क्या है, ईश्वर की लीलाओं का वर्णन श्लोक में वही मैं गा रहा हूं, लेकिन राग में निबद्ध है तो रंजकता भी आएगी। मोकम करोति वाचालम पंगुम लंघते किदम यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। जगजीत सिंह साहब का गाया हुआ बहुत ही सुमधुर भजन देखिए, राग यमन कल्याण। पम गम प गम ग म ग रे स हरे कृष्णा 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 हरे हरे। देखिए श्री कृष्ण जी का स्मरण हो रहा है, पम गम ग रे स हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना, केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना। तो ये क्या है, ये भजन। तो ये अब मैंने आपको क्या बताया, ये तो थे नॉर्मल भजन जो हम सुनने में आते हैं। मैं आपको और कैटेगरीज बताने जा रहा हूँ भजन में। भजन का मतलब सिर्फ यही नहीं है, अब भजन में फर्दर भी कैटेगरीज होती हैं। देखिएगा साहब, मैंने आपको अभी तक के बताए दो कैटेगरीज भजन, या तो क्लासिकल होगा किसी राग पे आधारित, या होगा सुगम किसी स्केल पे आधारित। क्लियर हो रहा है? तो अब मैं भजन में फर्दर कैटेगरीज बता रहा हूँ जहां पे ये दोनों चीजें अप्लाई होंगी, या तो वो सुगम होगा
या वो किसी राग पे आधारित होगा। एक हमने देख लिया साधारण भजन, अब देखिएगा साहब गणेश वंदना। मैं अपने शोज की शुरुआत जो करता हूँ वो इस गणेश वंदना से करता हूँ। शंकर महादेवन जी का गाया हुआ, अजय अतुल जी का म्यूजिक है। राग वृंदावनी सारंग और पीलू दो रागों का इसमें मिश्रण है, ठीक है। तो ये हो गया सेमी क्लासिकल में। देखिएगा गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। ये राग सारंग का असर में अगर इसमें डालूं, देखिए खूबसूरती कैसे ऐड होगी। एक कैटेगरी साधारण भजन की, अब ये गणेश वंदना पे आ गया, ये भी भजन की कैटेगरी में आएगा। तो ये गणेश स्तुति हो गई। फिर इसके बाद क्या होता है साहब, कुछ निर्गुण भजन होते हैं जो 12th सेंचुरी में हम पढ़ेंगे आगे हिस्ट्री में, कि भक्ति आंदोलन चला था उसमें कबीर जी, कबीर दास जी का आपने नाम सुना होगा, मीरा जी, उन्होंने परमात्मा के स्मरण में अल्लाह के स्मरण में खूब सारी ऐसे साहित्य लिखा था। तो निर्गुण भजन उन्हीं को अगर मैं स्वर लिपिबद्ध कर दूं तो वो निर्गुण भजन बन जाता है। आपको मैं निर्गुण भजन भी गा के बताता हूँ। तो ये भी एक भजन की कैटेगरी में आ गया। तो पहली कैटेगरी साधारण भजन, दूसरी कैटेगरी गणेश वंदना, तीसरी कैटेगरी अब मैं क्या बता रहा हूँ निर्गुण भजन, ये भी भजन की एक कैटेगरी है। देखिएगा साहब संत कबीर का लिखा हुआ है, माटी कहे कुमार से तू प्यारों दे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे, मैं रोंदूंगी तोहे। अब इसमें कोई भी राग नहीं है, ये सुगम है, एक लाइट कंपोजिशन है, लेकिन निर्गुण भजन है, ये भी एक कैटेगरी है भजन की, तो हम इसको अच्छे से करके चलेंगे। अब आगे शब्द सुनिएगा, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले और एक सिंहासन चढ़ी चले और एक बंदे जंजीर, एक सिंहासन चढ़ी चले और एक बंदे जंजीर, माटी कहे कुमार से तू क्या रो दे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। निर्गुण भजन तीसरी कैटेगरी मैंने आपसे डिस्कस की। इसके अलावा कुछ देवी स्तुतियां भी होती हैं, वो भी भजन की कैटेगरी में आएंगी। देखिए साहब मैं आपको सुनाता हूँ, एक देवी स्तुति सुनाता हूँ। ज्यादातर आप देखिएगा इसमें भक्ति रस प्रधान भाग ज्यादा होंगे, जैसे भैरवी, आपके भैरव के टाइप्स देखिए आप, समझ आ रहा है देवी स्तुति में, या फिर राग ऐसे होंगे जिसमें लाइट प्रकृति के राग, जैसे खमाज, पीलू, काफी। देखिएगा अब देवी स्तुति में देखा गया, पहले श्लोक पढ़ते हैं उसके बाद फिर वही स्थाई और अंतरा होते हैं उसके अलग अलग। अगर आपने क्लासिकल कॉन्सर्ट अटेंड किया हो तो
तो उसमें आप देखेंगे कि जो जितने भी शास्त्रीय गायक है वो एंड हमेशा देवी स्तुति से करते हैं। यहाँ तक कि प्रवीण सुल्ताना जी आई थी जब जयपुर में सेंट्रल पार्क में, उनसे फरमाइश कर रहे थे लोग हमें तुमसे प्यार कितना सुनाओ हमें, तो उन्होंने कहा क्या ये फालतू की चीज है, ये सुनो ना देवी स्तुति। देवी स्तुति गा के गए थे वो भैरवी में, यही वाली अभी जो मैं गा के बता रहा हूँ सुनिएगा। अब पहले इसमें वो श्लोक होता है, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्रयंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। राग भैरवी रूपक में निबद्ध। महाविद्या आद्य शक्ति, महाविद्या आद्य शक्ति परमेश्वरी काले का, एकदम सुगम, कोई भी रागदारी नहीं है इसमें। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। अक्सर देखा गया है कोई भी आप भजन संध्या में जाएं, शुरुआत हमेशा गणेश स्तुति से होगी और हमेशा जो एंड का जो क्लाइमेक्स होता है वो उसमें आरती जब होती है तो सब एक गेट टुगेदर होता है परमात्मा की स्मृति में, हम सब करते हैं आरती, तो ये एंड की चीज है। तो आरती भी एक भजन का ही प्रकार हो गया, मैंने आपको बताया। तो ये सुगम अंग से ज्यादा गाई जाती है, सुगम होती है, इसमें कोई ज्यादा रागदारी इतनी ज्यादा नहीं होती, इसलिए मैंने इसको भी भजन की एक फिफ्थ कैटेगरी बताया। एंड में एक और कैटेगरी में आपसे शेयर करना चाहूंगा, बधाई। कुछ ऐसे भी गीत होते हैं जो परमात्मा की याद में है या ऐसी कोई घटना होती है जिससे हम एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, उसको कहते हैं बधाई गीत। तो एक एग्जांपल मैं आपको बधाई का भी दूंगा, जैसे श्री कृष्ण जी का जब जन्म हुआ तो उस उपलक्ष में खूब सारी कंपोजिशन हमको मिलती है देखने में, तो वो भी एक भजन का रूप है। तो बधाई भजन मैं आपको सुनाता हूँ। आज तो बधाई बाजे नंद जी के द्वार पे, आज तो बधाई बाजे नंद जी के द्वार पे, नंद जी के द्वार पे यशोदा जी के द्वार पे, नंद जी के द्वार पे यशोदा जी के द्वार पे, आज तो बधाई बाजे नंद जी के द्वार पे, आज तो बधाई बाजे, आज तो बधाई बाजे नंद जी के द्वार पे। तो ये मेरी सिक्स कैटेगरी हुई भजन की आरती, ठीक है। तो मैंने आपको कितनी कैटेगरीज बताई भजन में, सबसे पहले मैंने बताया कि भजन ईश्वर का स्मरण, उसमें या तो राग होगी या राग नहीं होगी, राग होती है तो सेमी क्लासिकल राग नहीं है तो वो हमारे लाइट में सुगम है। इसमें फर्दर कैटेगरीज मैंने आपको बताई क्या, एक तो साधारण भजन गा के बताए श्री कृष्ण गोविंद नव नव रंग हरे कृष्ण हरे राधा, उसके बाद मैंने आपको गणेश स्तुति गणेश वंदना गा के बताई, उसके बाद फिर मैंने आपको निर्गुण भजन गा के बताए, क्लियर है, फिर मैंने आपको देवी स्तुति गा के बताई, फिर आरती गा के बताई और फिर बधाई। तो ये मेरी पूरी कैटेगरीज हो गई भजन की, इससे हमारा टॉपिक भजन कंप्लीट होता है, ओके। तो इसको आप वीडियो में एक बार वापस देखिएगा और जो मैं बोला प्लीज उसको लिखिएगा, ये तो आपको लिखना ही है, ये मैं अपने पेज पे डाल दूंगा रोहित कटारिया म्यूजिक अकेडमी प्लस, जो मैं कंटेंट बोलता हूँ वीडियो को पॉज कर करके प्लीज उसको आप लिख लीजिएगा, मेरा हाथ जोड़ के विनती है।
प्लीज अगर कुछ आपको कुछ हल्की सी भी रिस्पेक्ट है तो प्लीज जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखा करें प्लीज, एक कॉपी मेंटेन करें या इसकी इम्पोर्टेंस आपको बाद में पता चलेगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ म्यूजिक की हर एक जो पहलू है वो मैं आपसे डिस्कस करूँ, उसके बाद फिर हम राग चालू करें, क्योंकि राग में हम भजन भी करेंगे, एक ख्याल भी करेंगे, चतुरंग भी करेंगे, तराना भी करेंगे, समझ आ रहा है आपको। किसी राग में मैं तीन चार सरगम गीत कराऊंगा, लक्षण गीत, तो आपको पता ही नहीं है इसमें होता क्या, तो फिर फायदा क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पे सिस्टमैटिक मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये नहीं कि कुछ भी जिससे मेरे व्यूअर्स बढ़ जाए या फिर जिससे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए या ऐसी हेडिंग दे दूं मैं, ऐसा आपने कभी भी नहीं सीखा होगा, ऐसा ये आपने वीडियो देख लिया तो आप सिंगर बन जाएंगे, ऐसा ऐसा पागल बनाते हैं आपको लोग। ये एकदम ऑथेंटिक चीज आपको दी जा रही है, सिस्टमैटिक। 6 ईयर्स का जो मेरा एक्सपीरियंस है और 15 साल का जो परफॉर्मिंग आर्ट का मेरा एक्सपीरियंस है, वो सारे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आई नो कि एक सिस्टमैटिक लर्निंग कैसे होती है। आगे रियाज की टेक्निक्स बताऊंगा आपको, रियाज किस ऑर्डर में करना है वो बताऊंगा, रियाज से पहले क्या करना है, रियाज के बाद क्या करना है, वो चीज बताऊंगा आपको मैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो प्रोसीजर, देन ओनली वी कैन प्रोसीड फॉर अ गुड सिंगिंग। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो दूसरी मेरी कैटेगरी आ जाती है सूफी गीत। अब देखिएगा साहब, सूफी का अर्थात मतलब क्या है, सूफी अर्थात वो लोग जो पवित्रता और स्वच्छता पर ज्यादा बल दिया करते थे। ध्यान से सुनिएगा, सूफी एक ब्रॉड कैटेगरी है। अब सूफी के अंदर मैं कवाली भी डाल सकता हूं, क्योंकि कवाली में भी क्या हो रहा है, अल्लाह की इबादत में कवाली गाई जाती है ज्यादातर, और मैं गजल को भी सूफी में डाल सकता हूँ, क्योंकि उसमें भी एक पवित्रता एक स्वच्छता होती है, उर्दू और फारसी शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन स्पेसिफिकली मैं हाईलाइट करने के लिए मैंने इसको अलग से एक कैटेगरी बना दी, सूफी गीत। तो मैंने अभी तक क्या लिखा, सूफियों द्वारा प्रचार में लाया गया गीत। साहब सूफी कौन थे, वो लोग थे जो इस्लाम को मानते नहीं थे, तो इन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए संगीत का माध्यम लिया। तो हाउ टू पॉपुलराइज आर रिलीजन, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कवाली का इन्वेंशन किया, क्योंकि कवाली के थ्रू म्यूजिक ऐसी चीज है जो हर एक को समझ आ जाती है। म्यूजिक क्या है, इंसान की भाषा, म्यूजिक इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। आपकी हमारी भाषा हिंदी, अमेरिका में इंग्लिश चल रही है, लेकिन सब इंसानों की भाषा पूरे वर्ल्ड में वो है म्यूजिक। इस चीज को, इस सूक्ष्मता को उन्होंने जाना और इसको देखा कि हाँ यार म्यूजिक से जल्दी अट्रैक्ट हो रहे, तो कवाली का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, कवाली मेरी बाद में आएगी, पहले सूफी गीत डिस्कस कर रहा हूं। तो सूफी गीत में हम देखेंगे कि एक स्वच्छता और एक पवित्रता होती है। जैसे हमारा शरीर है, इस शरीर को चलाने वाली क्या, आत्मा। आत्मा की 3 सूक्ष्म कर्म इंद्रियां होती है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन जो मेरे थॉट्स हैं, बुद्धि जो मेरा सही गलत का फैसला ले रही है, और संस्कार जो चीज मैं बार बार करता हूं वो मेरा संस्कार बन जाती है। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो इन्होंने क्या कहा, जिस प्रकार हमारा शरीर का खाना है उस प्रकार आत्मा का खाना, आत्मा यहाँ पे होती है तभी तो यहाँ तिलक लगाते हैं, आत्मा का खाना क्या है, सब पवित्रता। पवित्रता को बल दिया इन्होंने और यहीं से एक कैटेगरी निकल गई सूफी गीत की। सूफी के अंदर आप कवाली भी डाल सकते हो और आप गजल्स भी डाल सकते हो। क्लियर, ये शब्द इस्लाम से निकला है, क्लियर हो रहा है। तो अब मैं आपको हमारे जो काम की जो सूफी गीत है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसी में भी हम 2 कैटेगरीज बना लेते हैं, एक तो लाइट सूफी सॉन्ग और एक है क्लासिकल जो कि राग बेस्ड होते हैं। हमारे लाइट सूफी सॉन्ग्स आजकल आप सुन ही रहे होंगे, अब पवित्रता और स्वच्छता शरीर से रिलेशन नहीं, उसका आत्मा से रिलेशन है। अब वो भगवान से भी हो सकता है, वो आशिक और माशुक के बीच में भी हो सकता है। आजकल के जो आशिक माशुक के ज्यादा सूफी सॉन्ग्स आ रहे हैं, और जवानी जवानी से टकरा गई आंखों की लड़ियों में आग से देख कर ये लड़ाई मजा आ गया, इसमें सूफी सॉन्ग दिखता है थोड़ा। तू भी है मैं भी हूँ आमने सामने, दिल को बहका दिया इश्क के जाम ने मुसलसल नजर बरसने। अब देखिए मुसलसल उर्दू शब्द है, तरसते हैं हम भीगे
बरसात में एक मुलाकात मेरे रश के कमर। बिल्कुल इसकी देखिए थोड़ा सा असर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तूने पहली नजर जो नजर से मिलाई मजा आ गया। ये कुछ लाइट सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। ये सूफी की कैटेगरी में। अब कुछ ऐसे भी हैं जो राग के आधार पे आए हैं। सांसों की माला पे सिमरू मैं भी गाना, अपने मन की मैं जानू और फीके मन की राम। नैना मिलई के नैना मिलई के नैना मिलई के नैना मिलई के छाप तिलक सब छीनी रे मुसे नैना मिलई के। ये सूफी का मैंने आपको एग्जांपल दिया। ज्यादातर सूफी में वही जो लाइट की जो तालें कैरवा दादरा रूपक की ज्यादातर यूज होती हैं। हेरी सखी मंगल गाओरी धरती अंबर सजाओरी। ये दीपचंदी में आधारित है। प्रीत की लत मोहे ऐसी लाओगी। अब एक डेडिकेशन एक समर्पण एक पवित्रता दिख रही है कि नहीं। इस कारण से ये सूफी है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यार ये सूफी है ये सूफी नहीं है। यू हैव टू अप्लाई योर म्यूजिकल क्वेश्चन टू जज। हो गई मैं मतवारी। एक तो उसकी कंपोजिशन देखी जाती है, दूसरे उसके शब्द देखे जाते हैं, फिर वो सूफी की कैटेगरी में आता है। आई होप आई एम क्लियर। अब नुसरत साहब ने सबसे ज्यादा अगर सूफी गानों की बात करो तो नुसरत फतेह अली खान साहब का नाम सबसे पहले आता है। प्योर राग बेस्ड सूफी सॉन्ग्स भी बनाए। देखिए यार मोरे सैया तो है परदेस, मैं कहाँ करूँ सावन को राग देश। सरमा पानी सर नीदा पधा गरे नीदा पधा गरे गानी सा मोर सैया तो है परदेस, मैं कहाँ करूँ सावन को सुना लागे सजन बिन देश। देखो गाने में देश वर्ड भी आ गया, देश राग भी है। सुना लागे सजन बिन देश, मैं ढूंढू सावन को मोर सैया तो है परदेश। यह राग देश। अब एक राग जोग है। जलो तेरे प्यार में है करूं इंतजार तेरा, किसी से कहा जाए सांवरे। ये राग जोग है। तो ये हो गई मेरी सूफी कैटेगरी। आप आई होप आपको समझ आई है। लाइट में उसका बॉलीवुड में अंग देखे तो उसका थोड़ा लाइट अंग ज्यादा है, स्केल बेस ज्यादा है। परंतु प्योर प्राइवेट एल्बम से हम उठाए नुसरत साहब के राहत फतेह अली खान साहब के गाने देखें जो बॉलीवुड है उसमें सूफी सम को ज्यादा दिखता है। और सूफी में अगर आप किसी राग बेस बना दो तो वो चीज सोने पे सुहागा हो जाती है। क्लियर हो रहा है आपको? तो आई होप यू अंडरस्टूड। आगे मैं इसी से लिंक करता हुआ आ जाता हूँ कवाली पे। तो मुस्लिम समाज की स्तुति पूर्वक जो गायकी है उसको मैं कहता हूँ कवाली। मेन चीज क्या है तो तालियों का प्रयोग होता है इसमें। दूसरा ढोलक का बहुत महत्व है कवाली में। मैं कौन सी कैटेगरी पे आ गया? फिफ्थ कैटेगरी ऑफ लाइट सिंगिंग सुगम सिंगिंग दैट इज कवाली। क्लियर हो रहा है? आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज अभी के अभी शेयर कर दीजिएगा इसको और इसको बार बार देखिएगा क्योंकि एक लेक्चर में बहुत सारा कंटेंट देता हूं आपको। आपको बाद में रियलाइज होगी ये चीज कि एक लेक्चर में कितना सारा मैं कंटेंट दे देता हूं। तो प्लीज इसको लिखा करें, वीडियो को बार बार पोस्ट करके देखा करें, समझा करें उसको। जो अब जैसे कवाली के मैं आप खूब सारे गीत बताऊंगा उसको लिखें आप, क्योंकि एक तो ढोलक का प्रयोग, उर्दू और फारसी शब्दों का प्रयोग, बीच बीच में शेर भी होते हैं इसमें, अभी मैं बताऊंगा आपको कवाली में। क्लियर हो रहा आपको? तो आप सब कवाली देखिए क्या लिखा है मैंने। वह गीत जिसमें ढोलक का प्रयोग कर ताली बजाकर अल्लाह की इबादत में प्रस्तुत की जाए उसे कवाली कहते हैं। अब ये तो होगा कवाली का प्योर रूप। कवाली की एप्लीकेशन देखनी है मैं आजकल कहाँ हो रही है, बॉलीवुड में देखते हूँ।
या फिर नॉर्मल हम जो कवालियां सुनते हैं, जो शंकर शंभू जी हो गए, हिंदू लोग भी गाते हैं कवाली, ऐसी बात नहीं, सिर्फ मुस्लिम लोग गाते हैं। आपने नाम सुना होगा शंकर शंभू जी का। हमारे जयपुर के एक महान गायक हुए थे नईम अजमेरी जी, बहुत ही शानदार गायक, जिनकी घुंघरू की आवाज बहुत फेमस थी। ये ऐसे ऐसे लोग रहे, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब भी बहुत अच्छे कवाल भी थे, सूफी गायक तो थे ही वो। तो साहब कवाली में एक तो उर्दू और फारसी शब्द का प्रयोग, दूसरा ढोलक, तीसरा ताली, ये तीन चीजें। अब बॉलीवुड में खूब हमें कवालियां सुनने को मिलती हैं, लाइट सिंगिंग की बात कर रहा हूं मैं। राग केदार पे देखिए, पल तो पल का राग केदार पे आधारित कवाली। आप कवाली सुनी होगी, आपने एक मूवी आई थी बर्निंग ट्रेन, आरडी बर्मन साहब का म्यूजिक। पल तो पल का साथ हमारा, पल तो पल का याराना है, पल तो पल का साथ। अब इसमें ढोलक भी है और इसमें तालियां भी बजाते हुए जूस हो गया। साथ हमारा पल तो पल का याराना है। या फिर राग कलावती में देखिए आप, है अगर दुश्मन दुश्मन जमाना, कम नहीं कोई आए हम किसी से, कम नहीं है अगर दुश्मन, सागा पाना ने सारे दबागा बगसा। ये लाइट कवाली में आपको बता रहा हूं। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब हो गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। ये है लाइट, ठीक है। आपका मुस्कुराना गजब हो गया, अब किशोरदा ने राग में भी गाया। एक एक और सुनाता हूं आपको मैं कवाली, जो कि राग दरबारी में। देखिए, कभी बेकसी ने मारा हो, कभी बेकसी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा, गिला मौत से नहीं है, गिला मौत से नहीं है, मुझे जिंदगी ने मारा कभी बे। ये क्लासिक सेमी क्लासिकल कवाली आपको मैं सुना रहा हूँ, बॉलीवुड में यूज। कभी बेकसी ने मारा हो, कभी बेबसी ने मारा। अगर आपने एक मूवी देखी होगी वीर जरा, वीर जरा में कवाली थी आया तेरे दर पे, आया तेरे दर पे दीवाना। अब आप देखो उसका जो पिक्चराइजेशन हुआ, ढोलक भी दिखाई है, तालियां भी बजा रहे हैं और उर्दू शब्द का भी थोड़ा बहुत प्रयोग है। तेरा दीवाना आया तेरे दर पे दीवाना, आया तेरे दर पे दीवाना, तेरा दीवाना तेरा दीवाना, तेरा दीवाना तेरा दीवाना, तेरा दीवाना आया तेरे दर पे दीवाना आया। डेढ़ सौ कवाली। अब इसका आप पूछोगे कि साहब ऐसे भी हैं कुछ जो प्योरली कवाल, प्योरिटी से कवाल को गाते हैं, इसमें तो साहब ठीक है पिक्चराइजेशन हो गया। अच्छा, आपको पता है आपको लाइट गाने क्यों पसंद आते हैं, उसका भी कारण आपको मैं बताऊंगा कवाली के बाद। पांच कारण बताऊंगा जिससे आपको लाइट सिंगिंग क्यों है पसंद, और एज कंपेयर टू क्लासिकल म्यूजिक उसका मैं आपको बताऊंगा, परंतु बेस तो क्लासिकल ही है, ठीक है। अब आपको एक प्योर कवाली जो कि मैंने अपने स्कूल टाइम में सीखी थी जब मैं फोर्थ या फिफ्थ क्लास में था, मुझे याद आ रही थी जब मैं लेक्चर बना रहा था। 3 से 4 घंटे लगते हैं एक लेक्चर को बनाने में, और आप समझ सकते हो कि 1 घंटे के अंदर सारी चीजों को कलेक्ट करना और उसको फिर प्रस्तुत करना कितना मुश्किल है। तो आप मेरी मेहनत को अगर समझते हैं तो प्लीज जरूर इसको कम से कम शेयर तो कीजिएगा, और रोहित कटारिया जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ये मेरी कवाली का टॉपिक था, आपको आई होप समझ आया होगा इसमें होता क्या क्या है।
फिर मैंने उसको बॉलीवुड से भी आपको बताया और उसमें राग तारी का काम भी प्रयोग है मैंने आपको वो भी बताया। एंड में मैं आ जाता हूँ अपने लास्ट कैटेगरी में जिसको मैं कहता हूँ लोकगीत फोक म्यूजिक। तो मैंने क्या लिखा, देखिए लोक द्वारा गाया जाने वाला गीत, ये आम लोगों विशेषकर ग्रामीण लोगों की भाषा और संस्कृति का हमारा परिचय। जब भी हम हमारे राजस्थान की बात करते हैं तो साफ मांड गाय की सबसे पहले हमारे जहन में आती है, केसरिया आओ ने पधारो मारे तेस जे केसरिया बलम आओ ने। देखिए क्लासिकल का यूज, पधारो मारे सिर्फ केसरिया बालम नहीं है। आप उदयपुर में जाओ, उदयपुर की मांड आपको अलग मिलेगी, जयपुर की मांड आपको अलग मिलेगी, जोधपुर की अलग मिलेगी। तो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द वेरियस सिटीज ऑफ राजस्थान। परंतु मांड एक गायकी भी है और मांड एक राग भी है। राग पे भी बात करेंगे हम और गायकी पे भी बात करेंगे। इस पे सेपरेट एक लेक्चर मिलेगा आपको। मांड गायकी पे भी जब मैंने आपको बताया भी सूफी सॉन्ग्स राग बेस्ड पूरी एक सीरीज बनाऊंगा मैं इसकी। ऐसे नहीं के साहब ये पढ़ा दिया और बस खत्म, नहीं। जब एक राग लेंगे तो उस राग पे सूफी सॉन्ग्स भी करेंगे और एक सॉन्ग्स बेस्ड ऑन राग, सूफी सॉन्ग्स बेस्ड ऑन राग, इसकी मैं एक अलग से सीरीज बनाऊंगा। उसकी नोटेशन आपको मैं बताऊंगा कैसे गाएं उसको सरल तरीके से, उसका अलग से ट्यूटोरियल बनेगा। ओके, अभी से अब आपको क्या समझना, फोक। फोक क्या है, जो कि लोक द्वारा गाया जाने वाला गीत, जो कि लोकप्रिय हो, जो हमारी संस्कृति का परिचय हो, परिचय दे। देखिए अब ज्यादातर साहब क्या देखा गया है, अब हर रिलीजन का अलग अलग फोक सॉन्ग होता है। अभी देखिए साहब उत्तर प्रदेश में क्या चलता है, कजरी चैती। साहब बंगाल में बाउल गीत बहुत फेमस है, समझ आ रहा। हमारे यहाँ जैसे मांड है तो बंगाल में बाउल गीत कजरी चैती। छन्नू लाल महाराज जी का आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस बनारस गाने का लिंक है इससे। तो ये सब अलग अलग लोकगीत अलग अलग स्टेट्स के। तो हमारा लोकगीत वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, राजस्थान का मांड मैंने आपको बताया। अब मांड तो ठीक है एक पर्टिकुलर गायकी है, परंतु लाइट में फोक का कहाँ इस्तेमाल हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो लाइट में अक्सर देखा गया है कि एक तो शुद्ध स्वरों का ज्यादा यूज होता है, दूसरा कम स्वर यूज होते हैं। ज्यादातर देखा गया फोक सॉन्ग में 4 से 5 स्वर ही यूज होते हैं। देखिए एग्जांपल देता हूँ, ओ काल्यो कूद पड़ो मेला में, ओ काल्यो कूद पड़ो मेला में, ओ साइकिल पंचर कर लायो। अब ये मामा मारे रे मामा रे सा सा, पूरा गीत 3 स्वरों में चल रहा है। मामा मारे रे मामा रे सा सा, मामा मारे रे मामा रे सा सा, मामा मारे रे मामा रे मा, मामा 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 मामा। ये फोक सॉन्ग की खुशबू, अब ये कोई भी गा सकता है। कम स्वरों का इसमें यूज हुआ है, शुद्ध स्वर ज्यादा यूज हुए हैं। जो इसका साहित्य है वो हमारी संस्कृति का परिचय देता है। मीठे रास से भरोले गुड़ धानी लागे, मन प्यारो प्यारो जमुना जी नो पानी लागे। समझ आ रहा हो गया। अब वृंदावनी सारंग देखिए, वृंदावनी सारंग में खूब सारे लोकगीत मिलेंगे आपको, खमाज में मिलेंगे, पीलू में, काफी में। निधर मजा बन्ना रे बाग में झूला खा लियो, ये राग है मध्यमान सारंग, सारंग अंग से ही बनता है। बन्ना रे बाग में झूला खा लियो, ना 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 ना। निजरे मरे दा निजरे मामा मरे मरे दा निजरे मामा निवा मरे मामा मरे मरे दा। ये लोकगीतों का हमारे, तो लोक द्वारा गाया गया गीत जो लोकप्रिय हो, सरलता से गाया जा सके, लोकगीत।
मैंने सेमी क्लासिकल में भी बताया था, उसमें क्या जाएगा, केसरिया बालम आ जाएगा आपका, या चोक पुराव जैसे गीत आ जाएंगे जो राग का आधार लिए हुए हैं। परंतु जो ऐसे गीत जो राग इतनी ज्यादा नहीं है इसमें और जो आसानी से सरलता से सुगमता से गाया बजाया जा सके, तो मेरा लाइट फोक सॉन्ग आ जाएगा सर। क्लियर है? तो यहाँ से मेरी ये पूरी लाइट सिंगिंग की कैटेगरी कंप्लीट हुई। 6 कैटेगरी मैंने आपको बता दी इसमें लाइट सिंगिंग में। 2 मैंने लेक्चर 10 में बता दी थी, कौन से, फिल्मी गीत और गजल। प्लीज उस लेक्चर को देखिएगा, उसके बाद ये लेक्चर देखिएगा। लेक्चर नंबर 11 में मैंने क्या बताया, भजन। फिर मैंने आपको बताया सूफी गीत, सूफी गीत से लिंक करता हुआ कवाली पे आ गया, और एंड में फोक सिंगिंग मैंने आपको बता दी। क्लियर है? तो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। अगर समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी आगे मोटिवेशन मिल सके। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इससे बिल्कुल अलग होगा, इंडिपेंडेंट होगा। अब चालू करेंगे कॉर्ड सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक सिंगर बनना चाहते हैं, एक म्यूजिशियंस के साथ अगर आप गाना चाहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है अगला वाला, लेक्चर 12, जो कि मैं लेके आऊंगा ट्यूजडे को, परसों, दैट इज ऑन 21st of April। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। पेज को फॉलो कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम रोहित_कटारिया1 को फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।